next question is, what should be added to minus 936 to obtain minus 543? That means कि हमें कोई ऐसी डिजिट माइनस 936 में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है माइनस 543. तो हमें वो डिजिट फाइंड आउट करनी है कि कौन सी ऐसी डिजिट है जिसको ऐड करने पर हमारा आंसर जो आएगा माइनस 543 आएगा. तो इसके आंसर के लिए लेट एक्स शुड बी एडेड टू माइनस 936 टू ऑब्टेन माइनस 543. हम एक्स को ऐड करते हैं माइनस 936 में टू ऑब्टेन माइनस 543. अब यहाँ पे हमारा साइन जो है वो प्लस का है तो आपकी जो ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट है उसका साइन चेंज नहीं होगा. तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा माइनस का. एक्स को एक साइड रखेंगे, बाकी जितने भी डिजिट है एक्स के साथ उसको हम उधर इक्वल के उधर ट्रांसफर करेंगे. यहाँ पे साइन चेंज होगा जब हम इक्वल के उधर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपका है माइनस 543. ये डिजिट माइनस की इधर जाके प्लस की होगी 936. जो आपका फर्स्ट इंटीजर है वो आपका नेगेटिव है माइनस 543 और जो सेकेंड इंटीजर है वो है प्लस का. दोनों के साइन अपोजिट है तो यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा. 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 4, 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता तो हम बोरो लेंगे. यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे हो जाएगा आपका 13. 13 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9. 8 में से 5 किया तो आपका आंसर आएगा 3. अब हमारा जो आंसर का साइन है वो होगा ग्रेटर डिजिट का साइन. तो यहाँ पे जो ग्रेटर डिजिट है वो है प्लस 936. तो जो हमारा आंसर है वो भी होगा पॉजिटिव. तो आपका आंसर हो गया है एक्स की वैल्यू या 393. यानी अगर आप 393 ऐड करते हैं माइनस 936 में तो आपका आंसर आता है माइनस 543. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 93 एंड माइनस 572 फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ माइनस 531 एंड माइनस 721. आपको सब्ट्रैक्शन करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है पहले हमें और इनका एडिशन परफॉर्म करना है और जो आपका आंसर आएगा उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहले हम सम निकालेंगे. सम करेंगे हम माइनस 93 प्लस माइनस 572 का. यहाँ पे आप जो फर्स्ट इंटीजर उसका साइन नेगेटिव है, जो सेकंड इंटीजर है उसका साइन भी आपका नेगेटिव है. दोनों के साइन सेम है यानी यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा. 2 प्लस 3 5, 7 प्लस 9 16, 16 का आपका आएगा 6, कैरी 1, 5 प्लस 1 6. आपका जो साइन है वो ग्रेटर डिजिट का आएगा तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 665. अब हम निकालेंगे डिफरेंस माइनस 531 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 721 से. हमने जो प्रीवियस वीडियोस देखे थे, प्रीवियस लेसन्स देखे थे, उसमें मैंने आपको बताया था जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो जो आपका अंदर का साइन है वो चेंज हो जाता है और यहाँ पे एडिशन का साइन आ जाता है. तो आपका जो अंदर का साइन है, ब्रैकेट के अंदर का साइन है वो माइनस है तो यहाँ पे ये आपकी जो डिजिट हो जाएगी वो प्लस की हो जाएगी. नाउ फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव का है, सेकेंड इंटीजर पॉजिटिव है, दोनों के साइन चेंज है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा. 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 2 में से 3 माइनस नहीं होता तो हम बोरो लेंगे. जब हम बोरो लेंगे यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12 12 माइनस 3 9, 6 माइनस 5 1. तो आपका आंसर आएगा 190. आपका जो आंसर है उस पर जो आपका साइन होगा वो ग्रेटर डिजिट का होगा. ग्रेटर डिजिट हमारी 721, उस पर भी साइन जो हमारा वो प्लस का है तो हमारी जो ये डिजिट आएगी वो भी पॉजिटिव आ जाएगी. अब आपने यहाँ पे देखा हम सब्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है फ्रॉम, यानी इसके डिफरेंस में से हमें ये डिफरेंस नहीं, इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे.
जो हमारी फर्स्ट डिजिट है वो होगी 190। 190 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -665। यहाँ पे आ जाएगा आपका 190। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आपका जो साइन है वो माइनस का है, सब्ट्रैक्शन का है, तो जो आपका अंदर का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अंदर की डिजिट भी माइनस है, जब इसका साइन चेंज होगा तो ये प्लस की बन जाएगी, तो यहाँ पे आएगा हमारा 665। अब हम इन दोनों को एडिशन परफॉर्म करेंगे। 0 प्लस 5 5, 6 प्लस 9 15, 15 का 5 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 855।